Very good morning to all of you. Last class we have already covered stoichiometric defect. Stoichiometric defect cover कर चुके हैं हम लोग. Stoichiometric defect चार types का था. Frankel defect cover कर चुके हैं. Schottky defect cover कर चुके हैं. Vacancy and interstitial defects. These all defects have been covered. Next portion हमारा है impurity defect. Next we are going to cover impurity defect. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे non-stoichiometric defect. तो impurity defect. Impurity defect में देखेंगे. I have already drawn NaCl का एक मैंने 4 बिट का लैटिस ड्रॉ किया है. Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, Cl minus Na plus. अभी क्या होता है समझेंगे पहले. अभी बिल्कुल कुछ मत लिखना, जस्ट लिसन टू मी. अभी क्या करूंगा, इसमें हम लोग लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 स्ट्रोंटियम क्लोराइड को इंजेक्ट करवा देंगे. मोल्टेन NaCl में आई एम स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 को मिला देंगे. ओके, इंजेक्ट कर देंगे, मिला देंगे इसमें. ओके, तो उससे क्या होता है, अभी इसमें देख रहे हैं, इसमें जो केटाइन है स्ट्रोंटियम क्लोराइड में, केटाइन आर Sr+2 है, Sr2+ है, इस पे स्ट्रोंटियम पे डबल प्लस आयन है एंड Cl- आयन है. ओके, ये 2Cl- आयन होगा. ओके, तो अभी क्या होता है कि इस पोर्शन में कि जो अभी जो स्ट्रोंटियम, ये जो केटाइन है और ये अनायन है, तो केटाइन विल टेक द प्लेस ऑफ केटाइन एंड अनायन विल टेक द प्लेस ऑफ अनायन. तो अनायन तो कॉमन है, क्लोरीन क्लोरीन इज कॉमन, बट केटाइन्स आर नॉट कॉमन. केटाइन कॉमन नहीं, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे Sr2+ है, स्ट्रोंटियम पे +2 चार्ज है, यहाँ पे सोडियम पे +1 चार्ज है. तो अभी क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये लैटिस में क्या चेंजेस आएगा, Na+ Cl- ये पोर्शन Cl- Na+ Cl- Na+ अभी देखो यहाँ पे Na+ ये पोर्शन Cl- ये पोर्शन, ये हमारा Cl-. ओके, नेक्स्ट वन इज यहाँ पे आ गया Cl-, ये पोर्शन Sr2+. ओके, फिर यहाँ पे Cl-, ये पोर्शन Na+. लेसन क्या होता है समझेंगे इसको, अभी समझो इसको. स्ट्रोंटियम 2+. ओके, अभी क्या होता है कि जब हम इसमें NaCl, molten NaCl में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंटियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, तो क्लोरीन, ये स्ट्रोंटियम आयन है, Sr2+ आयन है, ये क्लोरीन है, तो अनायन इज कॉमन इन बोथ Cl कॉमन, बट केटाइन यहाँ पे स्ट्रोंटियम +2 चार्ज है, यहाँ पे सोडियम +2 चार्ज है. तो सम ऑफ दी सोडियम आयन, अभी इंप्योरिटी में क्या होता है इसमें, उसके बाद क्या होता है, मिलाने के बाद क्या होता है कि जो सोडियम आयन था, जो सोडियम आयन इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंटियम आयन. ओके, सोडियम आयन को रिप्लेस कर देता है स्ट्रोंटियम आयन. सोडियम आयन Na+ आयन इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंटियम आयन. और एक और प्रॉब्लम यहाँ पे, एक और पॉइंट है क्या, टू सोडियम आयन्स इज रिप्लेस्ड बाय वन स्ट्रोंटियम आयन. दो सोडियम आयन को रिप्लेस करता है एक स्ट्रोंटियम आयन. यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे स्ट्रोंटियम आयन यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट करवाया है, यहाँ पे वैकेंसी है, ये सोडियम को रिप्लेस कर दिया, ये सोडियम को रिप्लेस करके ये दो सोडियम की जगह पे, सोडियम आयन की जगह पे एक स्ट्रोंटियम आएगा. ऐसा क्यों, दो क्यों आएगा, क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज है, तो दो सोडियम होगा, दो सोडियम तो 2+1 बाहर निकला, तो एक स्ट्रोंटियम आएगा उस पर. ऑलरेडी एक स्ट्रोंटियम पे चार्ज कितना होता है, +2 होता है, और सोडियम पे चार्ज कितना है, +1, तो सोडियम +1, तो दो को, दो प्लस को रिप्लेस करेंगे, तो उसके दो सोडियम आयन को रिप्लेस करेंगे, तो एक स्ट्रोंटियम आयन इंटर करेगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना होता है. क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल, क्रिस्टल ऑलवेज मेंटेन्स इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. अगर सपोज अगर दो सोडियम के जगह पर दो स्ट्रोंटियम करेंगे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा इस क्रिस्टल में और माइनस चार्ज कम हो जाएगा. लेकिन अभी देखो, प्लस चार्ज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये दो, इस पर दो है तो 8, -1 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दिस इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ये इट विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इस, जब हम लोग NaCl, molten NaCl में जब हम SrCl2 को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इट हैज बीन नोटिस दैट टू सोडियम आयन इज रिप्लेस बाय वन स्ट्रोंटियम आयन. ओके, उसके वजह से एक वैकेंसी क्रिएट होता है, एक वैकेंसी, एक सोडियम के टाइम के जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट होता है, एंड इसके वजह से ये एक डिफेक्ट हुआ. दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट विच इज नोन एज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया और ये डिफेक्ट, अ काइंड ऑफ डिफेक्ट विच इज कैटेगराइज्ड इन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. तो अब इसको हम कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन या स्कूल एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन में, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, सिर्फ इस डायग्राम को ड्रॉ करना होता है, इसको नहीं. ये तो मैंने समझाने के लिए कि पहले डिफेक्ट से पहले कुछ ऐसा था, जब हम इसमें स्ट्रोंटियम स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 मिलाए, तो वहां से दो सोडियम आयन रिप्लेस हो गया और वो एक स्ट्रोंटियम आयन चला गया, एक स्ट्रोंटियम आयन गया, वहां पे एक सोडियम आयन की जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया. दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट.
तो पहले यू हैव टू ड्रॉ दिस वन, इसको ड्रॉ करना है और जैसा मैं बोलता हूं उसको लिखना है. लिखो, स्टेटमेंट लिखेंगे इसको पहले, फर्स्ट फर्स्ट उसमें ड्रॉ कर लेंगे. एंड व्हाट वी हैव टू राइट इन इंप्यूटेड डिफेक्ट, लिखो, व्हेन व्हेन एन इज मोल्टेन, व्हेन मोल्टेन मोल्टेन NaCl, इन मोल्टेन NaCl, सॉरी नॉट व्हेन, इन मोल्टेन NaCl a small amount of SrCl2 is mixed. In molten NaCl, a small amount of SrCl2 mixed, then it has been noticed that, then it has been noticed that 2Na plus ion, 2Na plus ion is replaced by 1 Sr2 plus ion, 1 Sr plus 2 ion is replaced by 1 Sr plus 2 ion. Okay, full stop. Sr plus 2 ion, next point likhna hai, Sr plus 2 ion occupies the latticed site of Na plus ion. Sr plus 2 ion occupies the latticed site of Na plus ion, and the one of the latticed site of Na plus ion, and one of the lattice site of Na plus ion remains vacant, and one of the lattice site of Na plus ion remains vacant. Okay, next point. अब एक चीज और ध्यान देना है. Next point क्या है हमारा, पहले सुन लो. ये दो point लिखने के बाद फिर से सुनो पहले. अभी मैंने एक Sr plus 2 को introduce किया तो दो sodium बाहर निकला था. उसके जगह पे एक strontium ion चला गया, उसके place पे चला गया और एक position vacant लग गया. Means what? अब इस crystal में एक स्ट्रोंडियम आयन है और एक स्ट्रोंडियम आयन है और एक वैकेंट है. सपोज अगर इसमें दो स्ट्रोंडियम आयन को रिप्लेस करते हैं, सपोज इसमें दो स्ट्रोंडियम आयन इंट्रोड्यूस करते हैं, दो स्ट्रोंडियम आयन, तो सोडियम एक स्ट्रोंडियम आयन के लिए दो सोडियम को बाहर निकालना पड़ता है. अगर दो स्ट्रोंडियम आयन इसमें आता, इसमें हमारा इंट्रोड्यूस होता, तो हमें कितना सोडियम को बाहर निकालना पड़ता, दो सोडियम को बाहर निकालना पड़ता, दो सोडियम को बाहर, सॉरी चार सोडियम को बाहर निकालना पड़ता. तो अभी क्या होता था, ये स्ट्रोंडियम यहाँ पे है, एक और स्ट्रोंडियम हो जाता यहाँ पे, सपोज एक और स्ट्रोंडियम हो जाता, तो अभी दो स्ट्रोंडियम, एक स्ट्रोंडियम के लिए दो सोडियम को बाहर निकालना पड़ता है, तो दो स्ट्रोंडियम के लिए कितने सोडियम को निकालना पड़ता है, चार. तो अभी क्या है, एक स्ट्रोंडियम आयन और एक वैकेंसी है. उस वक्त क्या होता है, दो स्ट्रोंडियम आयन ऐसा होता है, देखो यहाँ पे समझो इसको, यहाँ पे ऐसे एन ए प्लस, ये सी एल माइनस, यहाँ एन ए प्लस ये पोर्शन सी एल माइनस, फिर यहाँ पे सी एल माइनस, ये एन ए प्लस, ये सी एल माइनस, ये एन ए प्लस, यहाँ पे फिर Na प्लस होता, फिर यहाँ Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, फिर यहाँ पे Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ऐसा कुछ होता, ठीक है. अभी समझो इसको, समझो भी लिखना मत कुछ. ये पोर्शन प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे कंबाइन होता है, ये ऐसे ऐसे कंबाइन होता है, ठीक है. अभी डिफेक्ट से पहले, डिफेक्ट के बाद क्या होता है, अभी सपोज इसमें दो स्ट्रोंडियम आयन को इंट्रोड्यूस करवाता तो कितना सोडियम को बाहर निकालना पड़ता, दो सोडियम बाहर निकलेगा, दो सोडियम बाहर निकलेगा तो एक स्ट्रोंडियम प्लस आएगा, प्लस टू आएगा, तो ये आ गया. ओके, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, एक और स्ट्रोंडियम को लाना होता, एक और स्ट्रोंडियम को लाना होता तो दो सोडियम को फिर से निकालना पड़ता, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रोंडियम प्लस टू आ गया. तो अभी देखो वैकेंसी कितना हो गया, दो. तो जितना भी स्ट्रोंडियम आयन को लाएंगे, जितना भी स्ट्रोंडियम आयन को लाएंगे, Sr प्लस टू आयन जितना भी इंट्रोड्यूस होगा, उतना ही इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैकेंट स्पेसेस होगा, वैकेंट वैकेंसी साइट्स होंगे. अगर एक स्ट्रोंडियम आयन है तो एक वैकेंसी है, क्योंकि एक स्ट्रोंडियम जब आयन ऐड करते हैं तो दो सोडियम बाहर निकलता है, एक के जगह पे स्ट्रोंडियम चला जाता है और दूसरा वैकेंट रह जाता है. उसी तरह अगर दो स्ट्रोंडियम आयन को ऐड करते हैं तो चार सोडियम बाहर निकल जाता है, दो चला जाता है अपने अपने पोजीशन पे और दो आयन, दो पोजीशन हमारा वैकेंट रह जाता है. ओके, उसी तरह अगर तीन स्ट्रोंडियम आयन इंट्रोड्यूस करेंगे इस केंद्र में तो सोडियम आयन कितने बाहर निकलेंगे, छह, तो छह बाहर निकलेगा, जिसके तीन के जगह पे स्ट्रोंडियम आयन चला जाएगा और बाकी तीन पोजीशन क्या रह जाएगा, वैकेंट. तो थर्ड पॉइंट इज दैट, थर्ड पॉइंट इसमें यही है कि द नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स, द नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ Sr प्लस टू आयन इन द crystal, is equal to the number of Sr plus 2 ion in the crystal. And last point इसमें एक और है, ठीक है. इसके वजह से क्या होता है, conductivity due to this defect, conductivity of the crystal increases,
increases. Next point and last point is that this defect is also common in when CDCl2 is doped, DOPD, doped matlab milana, doped with this example is common. This is also happens, this defect also takes place in when AgCl is doped with CDCl2. When AgCl is doped with CDCl2, okay, AgCl, जैसे यहाँ पे NaCl बनाते हैं, यहाँ पे Ag plus Cl minus, Ag plus Cl minus is doped with CDCl2. So these are the two examples when NaCl is doped with SrCl2, and second है when AgCl is doped with CDCl2. तो मैंने NaCl के structure draw किए, you have to draw the example, इसके AgCl को draw करेंगे, okay? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू.